अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बकरा शो के चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको नाची या जैसे डांसिंग गोट कहते हैं उसका उनके जो हैं वो जो मालिक हैं उनसे मुतारफ़ करवाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नाची गोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि नाची गोट्स का आप कद भी चेक करें, हाइट चेक करें उनकी, माशाल्लाह बहुत ही बड़ी हाइट है। और ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत यहाँ नाची नस्ल आप देख रहे हैं, ये नाची है। और हम इनके जो मालिक हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और कहाँ से आए हैं ये भी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है, हम अंगूरा फार्म से आए हैं, लइया में पढ़ते हैं, जिला लइया। अच्छा सर, थोड़ा लाउडली बोलिएगा क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। सही, मोहम्मद जहांगीर बात कर रहा हूँ, लइया से हमारा फार्म है, अंगूरा गोट फार्म। जी जी जी, जिला लइया। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप कितनी गोट्स लाए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम अपने 16 जानवर लाए। अच्छा 16। वैसे आप गोट फार्म में कितने मतलब जानवर हैं अपने पास? हमारे उधर तकरीबन 2 नस्लें हमारे पास पाई जाती हैं। जी जी। एक देहरादून पना है और दूसरी नाची गोट। अच्छा अच्छा अच्छा। और तकरीबन 300-400 जानवर हमारे नाची के हैं। जी जी। और 250-300 जो है वो तकरीबन DDP के, देहरादून पना जिसे कहते हैं। अच्छा। और सर हमें कुछ हिस्ट्री बताएं कि ये मतलब कहाँ से हैं और पंजाब में कैसे आई? ये देहरादून पना इलाका है। जी जी। देहरादून पना कहते हैं, असल में देहरादून पना है। जी जी हाँ। जिसका नाम देहरादून कुछ लोग पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ से देहरादून पना की नस्ल पाई जाती है। जी जी। और ये जो है लोकल वहाँ की है, झंग की रहीम यार खान में भी पाई जाती है। जी जी। ये नाची जिसे कहते हैं, नाची। अच्छा नाची। ये वहाँ पाई जाती है, ये दोनों नस्लें अलग अलग इलाकों की है। अच्छा, बेसिकली वे हैं तो मतलब पंजाबी की है ना? हाँ पंजाब। अच्छा, पाकिस्तान की है मतलब? है पंजाब की। ठीक है ठीक है ठीक है। और मतलब पाकिस्तान में और कौन किन किन हिस्सों में पाई जाती है? और ये फैसलाबाद में मिलती है। जी जी हाँ। झांग में मिल जाती है। अच्छा अच्छा। रहीम यार खान में ये तो आपको नाची मिलेगी। जी जी जी। और जो ये है देहरादून पना। जी जी। आपको देहरादून पना के इलाके में मिलेगी। जी जी। और वहाँ से जो इलाके नजदीक पड़ते हैं वहीं मिलती है, ज्यादा अक्सर उधर ही मिलती है। अच्छा। और सर हमें कुछ हिस्ट्री बताएं कि आपने मतलब कब से आपने ये शौक किया और कैसे शौक हुआ आपको ये? बेसिकली ये तो गवर्नमेंट की है ना? अच्छा, ये गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट खरीदती है वहाँ से, परचेज करती है। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ ले आके हमारे पास होती है प्योर नस्ल जो जी जी जी। फुल ब्लैक है तो फुल ब्लैक रखनी है। अच्छा। अगर हाफ कलर थोड़ी सी हो जाए तो हम उसे सेल कर देते हैं। अच्छा, सेल कर देते हैं। अच्छा, हमें थोड़ा ये जो नाची गोट खड़ी हुई है इसका इंट्रो दें हमें कुछ थोड़ा सा। नाची गोट ये एक तो ये जब चलती है, आपने चलता हो शायद इसको देखो। जी जी हाँ। ये उस वजह से डांसिंग गोट मशहूर है। अच्छा, डांसिंग गोट। ये नर है, मेल है। और एक तो एक तो अब चला के इधर ये दिखा सकते हैं क्योंकि अब खड़ा है, अभी चला चल के आया है। अच्छा, थोड़ी देर में चलाएंगे इसे। अच्छा अच्छा। पूरा तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर है, 1.5 किलोमीटर का सफर कराएंगे इनको, आप आ जाएंगे तब पूरा चल। ठीक है, फिर हमारा साथ दीजिएगा। और दूसरा इसका ये है कि ये मेल है, इसका कद बहुत लंबा होता है। अच्छा अच्छा। कद के बहुत दराज होते हैं। जी जी हाँ। और ये चलती डांसिंग डांस की तरह, जिस तरह डांस करता है कि इसके कद के जो पैर होते हैं ये नेचुरली है सब कुछ। अच्छा, ये नेचुरली है। अच्छा अच्छा अच्छा। खुदा ने इसे तखलीक को इस तरीके से कि हर जानवर के अलग खसूसियात होती है। जी जी जी, बिल्कुल। इसकी ये खसूसियात है कि अच्छा अच्छा डांस करके चलती है, डांस करके चलती है, इसलिए इसे डांसिंग गोट कहा जाता है, डांसिंग गोट इसी वजह से कहा। और सर अपने पास सारी मेल है या कोई फीमेल भी है अपने पास? हमारे पास ये जो है ये ब्रीडिंग के लिए होता है। जी जी हाँ। नस्ल बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। असल नस्ल। अच्छा अच्छा अच्छा। यही बकरा होता है, इसी से फिर आके बकरी हमारे पास जो ये खड़ी है जी, उनमें से हम 6-7 चुन के लेके आते हैं। जी जी हाँ। जो मेले के लिए होती है, मतलब इस तरह के लोगों को दिखाने के लिए। और 2 इसके मेल होते हैं साथ, जो इसके साथ लेके आते हैं। जी जी हाँ। इनके साथ होते हैं, प्योर नस्ल ब्रीड करती है। अच्छा। और ये बकरी जो बैठती है तकरीबन 200-300 जानवर है इसके। और हमें ये बताएं कि नाची जो बकरी होती है वो कितने मतलब ये मतलब बछड़े देती है? ये नाची जो है ना ये 2 देती है, 2 तो इसके मैक्सिमम होते हैं ना। अच्छा, लाजमी। जी जी हाँ। 3 भी आ जाते हैं। अच्छा, 3 भी आ जाते हैं। अच्छा, इनका मतलब रेट क्या होता है मतलब कहाँ मतलब ये गवर्नमेंट जो होती है ना? अच्छा, गवर्नमेंट सेल करती है किलो के प्राइस से। जी जी। मतलब इनको किलो का रेट है, ये किलो में 400 किलो जाके पड़ती है। जी जी। गोश्त के हिसाब से। गोश्त के हिसाब से। हमारे पास ये कोई नहीं है बोली वगैरह कुछ नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह होता है ना कि हम 35,000 लेंगे, 50 लेंगे, लाख लेंगे। जी जी। इसका नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छा, ये गवर्नमेंट। और ये गोश्त के हिसाब से बिकती है? गोश्त के हिसाब, किलो के हिसाब से लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अक्सर हम देखते हैं कि मतलब जो भी मतलब यूट्यूब पे चैनल हो वो अक्सर नाची गोट्स की बात कर रहे होते हैं। नाची गोट्स बहुत मशहूर है, मशहूर वजह क्या है इसकी?
यही जो नेचरली इसको खुदा ने तख्लीक किया है, इसकी नेचरली जो डांस करती है। अच्छा, ये डांस इसकी ये खूबी है कि ये डांस करके चलती है, जिसकी वजह से लोग देखते हैं ये कोई सिखाया नहीं गया इनको, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई तरीका कार नहीं किया गया, ये बस आती है, इस खुदा ने तख्लीक की है इसलिए, और इसे पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने डांस की वजह से, डांस के हिसाब से कोई इसे सिखाता वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, ये नेचरली जिसकी वजह से पसंद किया जाता है हर जगह पे, पाकिस्तान के किसी इलाके में भी चली जाए तो लोग इसके पीछे भाग पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी वजह है। अच्छा, मशहूर है ये, जिसकी वजह फेमस है। जी जी, और हमें ये बताएं कि नाची जो बकरी वो दूध कितना देती है? दूध ये नाची जो है ये 1.5 से 2 किलो देती है। अच्छा, एक टाइम का। अच्छा, 1.5 से 2 किलो। हाँ, 1.5 से। ये सिर्फ हम आपको नाची का इंट्रो दे रहे हैं। जी जी जी, जो हमारी धारा दिन पर दूसरी खड़ी है, ये तकरीबन 2.5 से 3 लीटर दूध। अच्छा 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 अच्छा, दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये देहरादून पनाह बकरी है, और ये वाली, और अभी जो मैंने आपको ये वाली दिखाई, ये है डांसिंग गोट, यहाँ से नाची गोट्स कहा जाता है। आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इसको इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये मतलब नेचर ने इसको एक गिफ्ट दिया है कि ये जब भी चलती है तो ये डांस करके चलती है। बहुत ही खूबसूरत, हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 हैं हमारे पास, यहाँ पर दूसरी भी हैं। सरोवर, हमें ये बताएं कि आप इस एक्सपो से मतलब कितने मुतमिन हैं? एक्सपो है ना? जी जी हाँ, ये बहुत खुश है। जी जी, यहाँ हम पंजाब से मेहमान ही हैं। जी जी बिल्कुल, 1300 किलोमीटर करके जो आए हैं। जी जी हाँ, तो हम एक्सपेक्ट नहीं था जो हमें मिला है। जी जी, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंतजाम था। अच्छा, जो भी था, खानों का था, जानवरों की जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा सर, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? यहाँ से हम तकरीबन हो गए मेरे ख्याल 5-6 दिन। अच्छा, 5-6 दिन है आगे। अच्छा, मतलब ये एक्सपो देखकर क्या मतलब आप सोच रहे हैं कि आगे भी ऐसे एक्सपो होते रहेंगे या सिर्फ एक ही होकर फिर? जहर बात, आप देख लो ना, एक्सपो होती है, नुमाइश होती है, यहाँ यहाँ तकरीबन वो ऐसे ऐसे जानवर भी हैं जी, आपको तकरीबन शायद मिले ही नहीं, नहीं, नहीं कभी। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा एक्सपो उन्होंने बनाया है कि हर जानवर, हर किस्म की चीज़ यहाँ मुहैया है, हर चीज मिल रही है। जानवर वो जो आपने कभी सोचे भी ना, अब ये देख लें, ये जानवर पंजाब से आया है। बिल्कुल, एक्सपेक्ट किया होगा कोई पंजाब जाएगा, 1-2 दफा जाएंगे लोग, बिल्कुल खास तौर पर जाएगा, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने खुद गवर्नमेंट से नहीं बुलवा लिया है, खर्चा करके सिर्फ मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए लोग आते हैं, देखते हैं। और दूसरी इसकी नस्ल की जो कि बहुत लापैद हो चुकी है शायद इस इलाके में, बिल्कुल को शौक है, सेंध में आते हैं हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल लेने के लिए। जी जी, स्पेशल आते हैं। अच्छा अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपके जो एक्सपेंसेस थे वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से या? अच्छा, सारे गवर्नमेंट सिंध ने। अच्छा, गवर्नमेंट सिंध ने सारे एक्सपेंसेस मतलब अपने उठाए हैं, एक्सपेंसेस जो भी थे। अच्छा अच्छा, खुराक के, जानवरों की खुराक प्रॉपर मिल रही है, वो हमें बड़ी अच्छी, यहाँ का हमें बहुत पंजाब में मिले होते देखते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है ना वो सबसे मुनफरद है। अच्छा, हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जिस तरह का आज देख रहे हैं। अच्छा, तो आप हुकूमत से तवक्को करते हैं कि आइंदा भी सिंध हुकूमत यही मतलब लाहे अमल लाती रहेगी और मुख्तलिफ आएंगे यहाँ पर? देखो, ये तो आवाम के लिए ना। जी जी बिल्कुल, देखते हैं कि आवाम कितनी इसको पसंद करती है। जी जी, मुझे तो लगता है आपको कोई बहाना रह नहीं किया। जी जी, इतना जबरदस्त मेला रेंज का जो उन्होंने किया है, जी जी, शायद ही किसी ने किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आप पॉपुलेशन को कैसे देखते हैं, मतलब कितने लोग आ चुके होंगे आपकी नज़र में यहाँ पर? तकरीबन मेरे अंदाजे से ये तो आप लगातार बहुत से दिन हो गए आ रहे हैं। जी जी हाँ, अगर एवरेज लगा लेना मेरे हिसाब से तकरीबन लगा लें 7,000-8,000। अच्छा, मतलब अब पहले जो कि ये एक दरमियान में है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शहर तो थोड़ा सा दूर ही है, बिल्कुल स्पेशल आते हैं इस मेले को। जी जी हाँ, छुट्टी भी है आज। जी जी, पहले इतनी आवाम थी लेकिन अब तो काफी ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, और सर पंजाब से और कौन कौन से जानवर आए हैं अपने पास? पंजाब से ये हमारी नाची बकरी, देहरादून पनाह। जी जी, वो दाजल गाय खड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, चौलिस्तानी खड़ी है। अच्छा, चौलिस्तानी भी पंजाब की है। अच्छा, वो देख लें, ये
बीतल बकरी है, बीतल बीतल वो कजली भेड़ है, वो थली है, जी जी हाँ, ये सारा जो गवर्नमेंट या जितने भी ग्रीन लगे हुए ना, जी जी हाँ, पोस्टर वगैरह, जी जी पंजाब की, अच्छा पंजाब, अच्छा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा सर वहाँ से मंगवाया स्पेशल गवर्नमेंट से, अच्छा बड़ी मेहरबानी सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सर हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखें जी, व्यूवर्स को ये देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि यहाँ इस तरह के मेले पे आए, जी जी बिल्कुल, रिफ्रेशमेंट जो है माहौल है, जी जी, दूसरा आपको शौक पैदा हो ये चीजें देखने का, जिस तरह हम ले आए वो लोग देखते हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल। भी इस तरह का शौक करें, जी जी, आपको लोग देखें, अच्छा, और ये शौक, ये जो जानवर होते हैं वैसे भी हुजूर पाक ने इनकी बिल्कुल खुद मतलब चराए थे या खुद उनकी किया था, बिल्कुल, एक सवाब का भी है, बिल्कुल सवाब भी मिलता है और उसमें बरकत बहुत बे इंतहा डाली है, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत बरकत है, हमने तो देखा, हमने खुद जानवर इसी इन्हें जानवरों को देख के हमें शौक पैदा हुआ कि हम भी अपने घर जानवर रखे, और माशाल्लाह हमने भी रखे। अच्छा 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 अच्छा, वैसे सर आपने अपने फार्म का नाम क्या बताया था? अंगूरा गोल्ड फार्म है हमारा, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी, थैंक यू सर।